हेलो गाइस यार, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू GDFS के कमाल के वीडियो में। एंड आपको पता ही है किसकी गाड़ी है? अरे गैस करो किसकी गाड़ी है? अरे ये हल्की गाड़ी है ना, कमाल की। भाई साहब हल्की गाड़ी ना बहुत ही कमाल की होती है। मैं भाई थोड़ा सा चलाने के लिए गया था, चलो यार जल्दी से जाते अवेंजर्स के पास एंड देखते भाई उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। पता है आज सुबह मुझे फोन करके बोलते हैं कि भाई हल्क से रिलेटेड एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम आ चुकी है। आयरन मैन हाँ मैं आ चुका हूँ, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ। अरे यार आयरन मैन, लेकिन एक सेकेंड, स्पाइडरमैन, ये हालत तेरा कैसे हो गया? आइला क्या ही बताओ, मेरी किस्मत ही खराब है। सर जी ने मुझे एक काम दिया था, वो मेरा काम हो नहीं पाया, ऊपर से मैं झाड़ में गिर गया, इसी की वजह से मेरा ऐसा हालत हो गया। जाओ ना तुम भी करो, तुम्हारा हालत भी ऐसा हो जाएगा। ए आयरन मैन, तू मुझसे क्या कराना चाहता है भाई? ये स्पाइडरमैन का देख ले हालत कितना खराब हो चुका है, मेरा ऐसा हालत खराब नहीं ना होगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन, ऐसा हालत नहीं खराब होगा, मेरा बात तो सुनो। अच्छा भाई ठीक है, आखिरकार बोल ही दे क्या बोलना चाहता है। हमें पता चला है कि लॉस सैंटोस में कुछ ऐसे गुप्त एनिमेंटल गॉड हल की पावर एक बॉक्स में कैद है, और वो बॉक्स लॉस सैंटोस के बहुत ही अलग अलग जगह छुपाई गई है। अगर तुम वहां पे जाओगे और वो बॉक्स को खोलोगे तो उसके अंदर तुम्हें बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, तो सिंपली वो पावर्स को तुम्हें लेके आनी है। अगर वो पावर्स किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत ही बुरा हो सकता है। हो सकता है कि यूनिवर्स भी खत्म हो जाए, लॉस सैंटोस भी खत्म हो जाए और हम भी मारे जाएं। हैं? ये भी हो सकता है भाई, छोटे से बॉक्स के अंदर इतनी पावर, ये कौन डालता है भला? भाई साहब कोई बताओ यार, ये लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन छोड़ो यार, हम लोग तो हैं खतरों के खिलाड़ी गाइस, हम लोग तो ये काम कर देंगे। वो हल्की बॉक्स को ना हम लोग ढूंढ निकालेंगे, क्यों गाइस? आप लोग मेरे साथ हो ना? अगर हो तो जल्दी से नीचे कमेंट में यस लिख दो, जो जल्दी से लिखेगा मैं उसे दिल दूंगा। ओके स्पाइडरमैन, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? आइला नहीं नहीं, आज के लिए मेरा हालत खराब है, जाओ ना तुम भी झाड़ में अटक जाओगे। मैं पागल की तरह वो हल्का पावर ढूंढने के लिए झाड़ में नहीं चढ़ूंगा जो झाड़ में फंस जाऊंगा। बताओ इसे झाड़ में जाके अटक गया, पता नहीं स्पाइडरमैन तेरा क्या होगा। बट तू आराम कर, तेरा आज हालत बहुत ही खराब है, मैं अकेला ही जाता हूँ एंगेस, जाकर के वो सारे एलिमेंटल गॉड हल की पावर को लेके आता हूँ। बोला तो जा रहा है कि बॉक्स के अंदर क्या दे, अब देखना ये पड़ेगा वो सारे बॉक्स है तो है कहाँ पे। ऐसे तो मुझे कुछ कुछ का लोकेशन आयरन मैन ने बता दिया है, क्योंकि भाई आयरन मैन को वहां से रेडिएशन मिल रही है कि कहाँ कहाँ पे बॉक्स है। जल्दी से जाकर के बॉक्स को खोलेंगे एंगेस। सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो बॉक्स खोलने पर भाई दिखता क्या है, मतलब कि अंदर निकलेगा क्या, वो सबसे ज्यादा कमाल की बात है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस यार, सबसे पहला लोकेशन तो मिलिट्री बेस से ही आ रहा है। एक बॉक्स ना मिलिट्री बेस के अंदर गिरा हुआ है, और भाई मिलिट्री वाले लोग को लग रहा है पता नहीं क्या ये बॉक्स गिरा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, मैं ही जाता हूँ और वो हल्के बॉक्स को खोलता हूँ और देखते हैं उसके अंदर से कौन सी पावर निकलती है। अगर यार खतरनाक पावर मिली ना तो सच में हम लोग भाई खतरनाक तरीके से अपग्रेड भी हो सकते हैं। तो चलो चलो जल्दी चलो। आप जैसे कि देख पा रहे सामने ये मिलिट्री बेस, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे भाई मैं हल्की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मतलब कि अवेंजर्स की गाड़ी, इसीलिए मुझे मिलिट्री बेस अभी कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि पता आपको मिलिट्री बेस में भी अवेंजर्स लोग की चलती है। तो चलो यार जल्दी जल्दी मिलिट्री बेस के अंदर चलते हैं। अरे यार हम लोग भाई आ चुके हैं मिलिट्री बेस के अंदर, और भाई यहाँ पे मुझे पता चला है वो जो शेड है ना उसके अंदर भाई लोग कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक सी बॉक्स गिरे हुए हैं। तो चलो यार चेक करके आते हैं कि कौन सी बॉक्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे इतना भीड़ का है। अरे भाई साहब लगता है ये लोग को बॉक्स दिख गया है और ये लोग भाई यहाँ पे भीड़ लगा दी है। चलो यार जल्दी जाते हैं और ये बॉक्स को खोल के देखते हैं। ओके गाइस यार ये रहा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है भाई हल्का बॉक्स, ये तो सच में गाइस कमाल लग रहा है। एक काम करते हैं जल्दी से ओपन करते हैं। चलो गाइस यार जल्दी से ओपन करते हैं। ये लो, एक सेकंड गाइस यार, ये क्या, ये मैं कौन सा हल्क में कन्वर्ट हो गया? ये तो भाई बहुत ही खतरनाक हल्क लग रहा है और बहुत ही अपग्रेडेड हल्क लग रहा है। बट ये क्या भाई, पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ अजीब सा आदमी, ये लोग को लग रहा है कि मैं बहरूपिया हूँ, लगता है ये लोग मुझे फायर ना करने लगे। उससे पहले भाई इसकी पावर चेक कर लेते हैं। एंड गाइस ये रहा, ये लोग शुरू हो चुके, मतलब कि ये लोगों को लग रहा है कि भाई मैं यार बहरूपिया हल्क हूँ और यहाँ पे तबाही मचाने के लिए आया हूँ, इसलिए भाई ये मुझे मार रहे। बट गाइस यार इसकी पावर तो देखो, मतलब कि इतना तेज भाग सकता है, क्या ये एरोप्लेन को उठा पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? चलो चेक करते हैं क्या ये एरोप्लेन को उठा पाएगा। और ये गाइस यार ये इतना बड़ा कार्गो एरोप्लेन को उठा पा रहा है, मतलब सोचो यार ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये एरोप्लेन से जंप लगा पाता है? चलो चेक करते हैं। एक सेकंड गाइस यार, ये तो एरोप्लेन को उठा करके भी जंप लगा सकता है, और भाई देखते हैं इसे उड़ा के। भाई जा एरोप्लेन हवा में उड़, और देखो यार ये तो एरोप्लेन को हवा में उड़ा दिया, क्या ही कमाल का, और लैंड भी हो गया एरोप्लेन। भाई सच में ये तो मुझे लगता है भाई ये हल्क ना अल्टीमेट कैप्टन अमेरिका गॉड हल्क है। भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे इसके पीछे कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी है, भाई ये तो बहुत ही कमाल का है। चलो एक काम करते हैं एक स्मैश मार के देखते हैं, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। चलो ये लोग को थोड़ा सा उठाते हैं। अरे सैर करोगे क्या?
अरे बाबा चढ़ दो पता नहीं कौन मुझे उठा लिया। अरे कोई नहीं मैं हूँ हल्क, अब चलो तुम्हें भाई आसमान के शहर कराता हूँ, ये लो भाई वापस आ जाना। भाई कहाँ आसमान में चला गया पता ही नहीं चला। भाई साहब ये भाई हल्क तो सच में कमाल का है, एक काम करते ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उठा के देखते क्या ही उठा पाऊंगा। अरे गाइजर इसके अंदर बहुत सारी पानी रहती है तब भी मैं इसे उठा पा रहा हूँ। अब चलो एक काम करते हैं भाई फेंकते हैं, ये लो। अरे यार एक सेकंड भाई आयरन मैन का कॉल आ रहा है। अरे हाँ आयरन मैन बोलो। फ्रैंकलिन उतना देर से तुम मिलिट्री बेस में खेल रहे हो, अरे दूसरा बॉक्स ढूंढने नहीं जाना है क्या? अरे हाँ जाना है गाइस मैं तो भूल ही गया था भाई, मैं पहले ही बॉक्स में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ ना कि भाई मैं दूसरा बॉक्स ढूंढना तो भूल ही गया। चलो गाइजर चलते दूसरे बॉक्स की तरफ, पहला बॉक्स में मुझे इतना खतरनाक पावर मिला मुझे पता नहीं था। चलो यार एक काम करते हैं जल्दी से चलते अपने दूसरे बॉक्स की तरफ, भाई दूसरा बॉक्स भी ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए यार हम लोग को भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा, बट वो बॉक्स होने बहुत ही खतरनाक वाला है, तो चलो चलो जल्दी चलो। पता है वो दूसरा बॉक्स ना बोला जा रहा है कि कोई जंगलों के बीचों बीच गिरा है, तो चलो देखते, बट ये जंगल नहीं कम से कम पहाड़ लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहाड़ो या फिर जंगल हो हम लोग भाई आराम से ढूंढ लेंगे। चलो यार जल्दी चलते, ये हल्के वजह से ना भाई मुझे भागना और दौड़ना बहुत आसान हो चुका है, तो वरना मैं गाड़ी से आता बट भाई मैं पैदल इतना ऊपर तक उछल सकता हूँ। चलो गाइस यार फाइनली यार मैं आ चुका हूँ पहाड़ वाले जंगल की तरफ। भाई फाइनली मुझे वहां से कुछ रोशनी नजर आ रही है। एक सेकंड भाई ये तो हल्क वाला बॉक्स है, और भाई इसमें फेस तो देखो, भाई इसमें तो बहुत ही डरावना फेस लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर से जो भी निकलेगा ना वो बहुत ही डरावना हल्क होगा। चलो एक काम करते हैं इसे फोड़ के देखते हैं भाई इसके अंदर कैसा हल्क निकलता है। चलो जल्दी से भाई तू तो फूट जा, जल्दी फूट जा। अरे एक सेकंड गाइस यार ये तो भाई मैं रेड हल्क में बदल गया। भाई ये सच में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गुस्सैल होता है, भाई ये ना बहुतों लोगों को मार सकता है वो भी एक ही बार में। चलो आज मैं चेक करता हूँ भाई, इसकी पावर ना बहुत ही खतरनाक होती है, ये टच करने पर ना गाड़ियों को उठा देता है। चलो एक काम करते हैं सारी गाड़ी को उठा उठा के हवा में फेंकते हैं, ये लो भागो। और भी गाड़ी को उठाते, इधर आ जाओ भाई, ये लो भागो। भाई मजा आ रहा है भाई, एक और गाड़ी को उठाते, चलो यार इसको भी उठा के फेंकते। भाई अब ज्यादा नहीं फेंकना है क्योंकि यार पता चला कि लॉस सैंटोस में जितनी भी गाड़ियां है ना सब लोग भाई उठ उठ के हवाएं मुड़ने लगे, और ब्लेम भाई अवेंजर्स लोग के ऊपर आ गया, इसीलिए भाई चलो चलो। पता है ना भाई हमारे पास दो हल्क अभी तक आ चुकी है, एक कैप्टन हल्क और दूसरा भाई ये हमारा रेड हल्क। अभी यार दो बॉक्सेस और बची है लॉस सैंटोस में जो भाई अलग अलग जगह पे, एक काम करते हैं जल्दी जाते हैं अपने तीसरे बॉक्स की तरफ, वो तो यार बहुत ही खतरनाक है। चलो चलो जल्दी चलो तीसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं, वो भाई बताया जा रहा है कि पानी के करीब है। क्या पानी के करीब है, आ जाओ यार चेक करते हैं जरा। गाइस यार एक काम करना, पहले जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेड हल्क कैसा लग रहा है, मतलब यार ये पानी के अंदर भी घुस सकता है और बाहर भी निकल सकता है। तो चलो यार पानी के अंदर ढूंढते हैं कि भाई वो बॉक्स है तो है कहाँ, क्योंकि भाई बॉक्स तो पानी के अंदर ही मिलेगा ना। सो गाइस यार फाइनली पानी के अंदर मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिल चुका है। गाइस यार देखो तो यार ये कितना छोटा सा बॉक्स है, और भाई इसके अंदर ना भाई एक बहुत ही खतरनाक सा हल्क का फोटो लगा हुआ है जो भाई बहुत ही गुस्सेल भी है। तो चलो इसे जल्दी से खोल के देखते हैं। खुल जा भाई। एंड ये क्या भाई, मैं तो यार बहुत ही अजीब सा हल्क बन चुका हूँ भाई, ये तो बहुत तेज है। गाइस देखो तो यार ये कितना पतला है, बट यार ये तो पानी में भी चल रहा है। देखो तो यार ये क्या ही खतरनाक हल्क है भाई, देखो यार क्या ही खतरनाक तरीके से सुपर फास्ट है इसके अंदर तो। भाई ये तो हवा में भी उड़ सकता है, देखो तो यार। भाई ये कुछ हल्क पतला नहीं लग रहा क्या? चलो एक काम करते हैं इसकी पावर टेस्ट करते हैं, ये जितना पतला उतना ही खतरनाक लग रहा है मुझे तो। ये लो भाई, ओ गाइजर एक ही मुक्के में गाड़ी के तीन टुकड़े कर दिए इसने, ये तो यार सच में माइंड ब्लोइंग हल्क है। चलो एक काम करती है थार के ऊपर अप्लाई करते हैं, भाई थार को तो इसने तोड़ ही डाला। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, भागता कहाँ है, ये ले भाई क्या ही मारा है, उछल के फेंका गया। भाई तू भी ले, भाई साहब इसकी पावर तो कमाल की अवेंजर्स। भाई सच में ये जो छोटा हल्क है ना इसकी पावर तो बहुत ही कमाल की है, बट गाइस अभी वेट करना, ये जितना छोटा पैकेट उतना बड़ा धमाका निकला है, तो सोचो बड़े वाले बॉक्स में कितना ही बड़ा हल्क निकलेगा। तो गाइस एक लास्ट बॉक्स बचा हुआ है बहुत ही बड़ा वाला, उसे भाई जल्दी से हम लोग चलते हैं ढूंढने के लिए, वो बॉक्स सच में बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत 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 बड़ा, वहां पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले भाई इसकी पावर तो थोड़ी चेक कर ले, भाई इसके पास बहुत सारी पावर है। भाई देखो तो भाई मैंने गोल गोल घूम करके टर्नाडो बना दिया, मतलब कि हल्क के पास इतनी पावर आ चुकी है ना कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और ये हल्क ना बहुत ही ज्यादा तबाही भी कर सकता है। तो चलो यार जल्दी से ढूंढने के लिए चलते हैं सबसे बड़ा बॉक्स जिसके अंदर से निकलने वाला है सबसे बड़ा हल्क। चलो यार जल्दी से ढूंढते हैं। सो गाइस यार ऊपर में बहुत ही खतरनाक सा एक बॉक्स है जो भाई मुझे खोलने में बहुत एक्साइटेड लगेगा, और देखो तो यार
क्या ही बॉक्स है, मुझे लगता है इसके अंदर ना बहुत ही खतरनाक हल्क हो सकते हैं। भाई सोचो तो यार, इसमें कौन सा हल्क निकलेगा। भाई यार छोटे पैकेट में इतना बड़ा बड़ा धमाका निकल रहा था, ये तो भाई पैकेट भी बड़ा है, मतलब बॉक्स का साइज ही बहुत ही बड़ा है। चलो एक काम करते, इसे खोल के देखते हैं। चलो यार इसे एक काम करते, आरपीजी मारते हैं। चलो यार ये रहा आरपीजी, अब चलो इसे मारते हैं। एंड गाइस ये देखो यार, भाई मैं कितना बड़ा सा हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। ये तो सच है बहुत ही बड़ा सा हल्क है। भाई मैंने कभी ऐसा हल्क नहीं देखा। भाई यार ये तो बहुत ही खतरनाक हल्क है। चलो एक काम करते, भाई रोड तो देखो इसके सामने कितना छोटा पड़ चुका है। भाई ये तो किसी को चीज को भी मसल सकता है, मार सकता है। भाई ये हल्क ना सच में बहुत ही खतरनाक है। भाई सोचो यार हम लोग को लकी ब्लॉक्स के अंदर कितने खतरनाक हल्क मिले। भाई यार ये तो सच में बहुत ही खतरनाक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि भाई ये वाला जो हमारा मॉन्स्टर हल्क है वो कैसा लग रहा है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक है। चलो यार पानी में उतर के देखते हैं पानी में क्या लगता है। ओके गाइस यार पानी तो इसके सामने कुछ है ही नहीं है, ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में उतरा है और भाई सब चीज को उठा उठा के पटक रहा है। भाई ये तो भाई बहुत ही खतरनाक है। चलो भाई इसकी पावर थोड़ी टेस्ट कर ली जाए। भाई इसके पावर में क्या क्या चीज है। भाई ये तो पैर से अटैक कर सकता है, ओके। और भाई ये तो उठा उठा के पटक सकता है, अपने पूछ से भी मार रहा है ये तो। ओके यार ये गाड़ी को उठा उठा के पटक के पूछ से मार रहा है। ये ले भाई पूछ से मार, सबको पूछ से मार। ओ भाई साहब ये तो सच में आधे लॉस सेंटोस को खत्म कर देगा। अवेंजर्स ने सही कहा था कि भाई ये ना बहुत ही खतरनाक हल्क है जो भाई लॉस सेंटोस को भी खत्म कर सकते हैं। ये सबको पकड़ना बहुत ही जरूरी था, बट फाइनली हम लोग ने सबको पकड़ दिया है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे ये हल्क भाई हमारे लकी ब्लॉक से निकले। भाई ऊपर तो देखो मॉन्स्टर हल्क है और भाई नीचे भाई एक बहुत ही पतला सा हल्क है ये, लेकिन बहुत ही ताकतवर है ये भाई कैप्टन हल्क और रेड हल्क। एंड गाइस नीचे कमेंट करके बताना कि ये चारों में से आपका फेवरेट हल्क कौन सा है। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।